अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। दोस्तों मैं हूं इरफान खान। जैसा कि मैंने कहा था कि आज नए टॉपिक पर लेकर आएंगे अपना जो ज़हनी आजमाइश है। ज़हनी आजमाइश में एक टाइप रहती घड़ी पर के सवाल आते हैं, यानी घड़ी के जो सुई जो होती है घंटा और मिनट की, इसमें कितने दर्जे का जो है जाविया बनता है। अब ये जो सवाल आते रहते ये एक दो मार्क के लिए, यानी उसका हिस्सा ही एक है। समझो घड़ी पे के जो सुई होती है उसमें घंटा और मिनट में कितने दर्जे के जाविये बनते हैं। अब इसमें जो है हम फॉर्मूला भी होता है और ट्रिक भी होती है सेकंड्स के अंदर, यानी जबानी अपना कैसे जो है वो सवाल हल होना अगर अपना आ गया सामने तो उस तरीके के हम जो है ये सवाल हल करेंगे। और इंशाल्लाह जो है ये ट्रिक जो है जिसको बोलेंगे एकदम शॉर्टेस्ट ट्रिक जो है हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल अगर मैं बोलूं, हम अलग अलग टाइप में जाते रहेंगे, ठीक है, और मैं बताते रहूंगा वहां पर एक्सप्लेनेशन की किस टाइप में ये सवाल है। ओके, पहला सवाल है दोपहर के एक बजे, दोपहर एक बजे मिनट काटा और मिनट की सुई और घंटे की सुई में कितने दर्जे का जाविया बनेगा, कितने दर्जे का एक जाविया बनेगा। ओके, ये सवाल जो है आठवीं स्कॉलरशिप में भी आते हैं, वो भी बच्चे जो देख रहे होंगे वो भी ध्यान में रखें, क्योंकि आपको ये उम्र से अगर पता चल जाए ऐसे ट्रिक तो बहुत आसानी होगी। तो इसमें क्या रहता, देखो इसमें एक फॉर्मूला रहता, मगर फॉर्मूले से नहीं, मैं पहले टैली करके बताऊंगा तुमको सीधा सीधा क्या होगा। एक बजे पूछा उसने, तो यहां पर फॉर्मूला वगैरह होता है, ये कंपलसरी फॉर्मूले तो कंपलसरी होते, फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करने का। अगर उसने पूछा यहां एक बजे, तो हमको सीधा सीधा एक को तीस से जरब दे देने की, यानी वो तीस दर्जे का जाविया बनेगा। देखो गौर करो, एक दिया तीस दर्जे का जाविया बनेगा। अब ये कैसे, इसको अगर साबित करके बताने का अगर अपने को है तो उसको मैं फॉर्मूले में रखकर भी साबित करके बताने की कोशिश करूंगा। कैसा, अब एक का पूछा एक बजे कितने, तो तीस से जरब दे देने का। दो बजे अगर पूछा तो कितने का बनेगा, साठ का, तीस से जरब दिया मैंने, गौर करो। तीन बजे पूछा तो भी तीस से ही दे रहा मैं, नब्बे डिग्री का यहां मिनट और कांटे के सुई में जो है जाविया बनेगा। ओके, लेकिन अब यहां पर ये आ गया, अब अगर मिसाल के तौर पे अब पैटर्न चेंज हो गया। ओके, अब उसने यहां पर पूछ दिया रात के, अब देखो मैं इसका भी जो है एक्सप्लेनेशन दूंगा। रात के सात बजे सवाल पे गौर करो, रात के सात बजे जो है कितना दर्जे का बनेगा। अब एक का दो का जो मैंने बताया उसके लिए फॉर्मूला है, उसमें फॉर्मूले में बिठा कर भी मैं टैली करके बताऊंगा आप लोगों को। अब ये सात बजे, मैं दो बजे की मिसाल दू, दो तीस से जरा कर रहे, बोले सर तुम साठ का डिग्री का बन रहा, लेकिन ये साबित क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, ये निकालने का एक फॉर्मूला है, जो कि तुमको जो है फॉर्मूले से थोड़ी मुश्किल जाएगी, इसलिए मैंने ये बताया। इसमें क्या रहता, जो फॉर्मूला है उसको टैली करते वक्त हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो घंटा कितना बोला उसने, एक बजे बोला था ना, यहां पर एक बजे बताया उसने, ये हमने सात लिया, इसका एक फॉर्मूला है कि तीस नफी ग्यारह बटे दो जरा मिनट। ओके, यानी यहां घंटा जरा तीस माइनस ग्यारह बटे दो जरा मिनट, ये उसका फॉर्मूला है। ये ऐसे जो है सवाल आता है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला कभी भी जो है काम आएगा, लेकिन ये इस्तेमाल कब करने का, जब जरूरत पड़ेगी, जब रात के सात बजे। अब मैंने बोल दिया एक बजे तीस का बनेगा, तीस दो बजे साठ का बनेगा, तीन हो गया। लेकिन उसने अगर पूछ लिया समझो रात के सात बजे, तो यहां सात बजे वो नहीं होगा जो हम अभी देख रहे थे। सात बजे उसने बोला सात को मैंने तीस से जरब किया, हमारा तुम बोलेंगे 210 डिग्री का जो जाविया बन रहा, नहीं बनता 210 डिग्री का। जब भी ऐसे सवालात में छह बजे के बाद से जो आंकड़ा अगर तुम बोले, जैसा सात बजे बोल दिया उसने, तो तीस से जरब देने के बाद जो आंकड़ा आएगा उसको सीधा सीधा जो है 360 में से नफी करना है। जब भी 180 के आगे आपका जवाब 180 के आगे अगर आया, तो उसको सीधा सीधा 360 में से माइनस करना है। जीरो छह में से एक गया, पांच तीन में से दो गया, एक, तो वो रात के सात बजे 150 डिग्री का जाविया बनेगा। क्या किया हमने, अगर हमारा जवाब छह बजे तक हमारा जवाब 180 डिग्री आता है, ये हम लिख सकते, अगर तुम्हारा जवाब 180 डिग्री के ऊपर आया तो
रात के 7 बजे पूछा उसने तो 150 डिग्री, रात के 8 बजे अगर उसने पूछा तो समझो यहां रात के 8 बजे पूछा, आप तो पूरे राउंड फिगर ले रहे सर, दूसरा मिनट के हिसाब से ले लो, वो भी आगे सवाल है। 8 बजे पूछा तो 8 को मैंने जरा 30 किया हूं, 8 किया 24, 240 डिग्री, इन 240 डिग्री को आने के बाद में 360 में से माइनस करो 240, ओके सिफर पर कंपलसरी 180 के ऊपर अगर तुम्हारा जवाब चलेगा तो उसको 360 में से माइनस करो, 6 में से 4 दो, 3 में से 2, तो वो जाविया 120 डिग्री का बनेगा। सेकंड में जवाब आया अपना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फटाफट देखेंगे जरा हम। उसके बाद में अब आ जाओ 4:16 पर। अब अगर पूछा उसने 4:16, मिसाल के तौर पे 4:16 पर क्या होगा जाविया, अभी तक तो बोले राउंड फिगर बताए तुमने, अब अगर 4:16, अब देखो निस्बत, देखो 4 और 16 में निस्बत, निस्बत यानी ये तरीका जिसको बोलते हैं 4 × 4 = 16, यानी 1 की निस्बत 4 आई इसमें। जब 1 की निस्बत 4 सवाल में दिख जाए तो दिखने वाले मिनट का सिर्फ डबल कर दो, 16 × 32, वो 32 डिग्री का जाविया बनेगा मिनट और कांटे की सुई में, अगर 4:16 का पूछा। आप बोले सर ऐसा कैसा, साबित करके बताओ, तो साबित करने के लिए मैंने पहले बोला था जो घंटा है घंटे जरा 30 माइनस 11/2 जरा मिनट, बिठाओ उसको फॉर्मूले में, कितना है अपने पास घंटा 4 जरा 30 माइनस 11/2 जरा मिनट कितने हैं 16, 2 × 2 = 28, 16, 11 × 8 = 88 हो गए, 4 × 3 = 12, ओके 120 माइनस 88 बराबर है 32 डिग्री, हुआ साबित, हो गया ना। लेकिन इतना काय को करते बढ़ने का अपन ने, जब भी जो है हमारे इसका अगर निस्बत तुमको, अगर इसकी निस्बत 2 मिनट ओके, इसकी निस्बत अगर 1 की निस्बत 4 दिख गई सवाल में, अगर 1 की निस्बत 4 तुमको दिख गया था ना सुन, तो तुमने जो है इसको तुमने इसको सीधा सीधा मिनट को डबल कर दिया, लिख के रख दो वहां, अगर सवाल में निस्बत 1 की निस्बत 4 दिखाई दे तो सीधे सीधे मिनट का डबल कर दो। ये मैं ऐसा तरीका करता था, मेरे लैंग्वेज में मैं पहले लिख लेता था, मुझे किताब की लैंग्वेज में समझ में नहीं आता था, तो अपना काम बोलता हूं, मेरा भी पहले ऐसा मैथमेटिक्स में या जो ऐसे सवाल आते रहते थे इसमें मेरी हालत जो है बचपन से मेरी हालत बिल्कुल हकीकी बात है, ये मेरी बचपन से हालत थी, जो तारे जमीन पे का ईशान अवस्थी था बस उसके जैसी थी मैथ्स के हद तक, तो उसको जो मैंने जब अपनी लैंग्वेज में कोई भी चीज लिखना शुरू करा एकदम प्योर लैंग्वेज जिसको गौरानी जबान बोलते उसमें लिखने की मैंने जब कोशिश किया, जब मुझे मेरे दोस्तों ने मराठी मीडियम के समझाया उनके टर्मिनोलॉजी में अपने आम जबान में तो समझाया, तो लिख के रखो जब भी दिखाई दे तनासुब तो ऐसा ऐसा करे, ठीक है। अगला सवाल यहां पर अभी अपने को मिनट और घंटे की जो सुई रहती उस पर ही आपको सवाल आते हुए, अगला सवाल हम फटाफट लेंगे, मिनट की सुई और घंटे की सुई में कितने का दर्जा बनेगा, सवाल है अगला क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या करना है हमको, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, 5:20 कितने का जाविया जो है बनेगा, निस्बत देखो निस्बत 5:20 में 1 की निस्बत 4 है, 5 × 5 = 20, 1 की निस्बत 4 का तनासुब हमको दिख गया, यानी सीधा सीधा जो मिनट है उसकी डबल करो 20 जरा 2 बराबर है वहां 40 डिग्री का जाविया बनेगा, कैसा साबित करके बताने का, अपने को घंटा क्या दिया हुआ है, घंटे कितने दिए हुए 5, फॉर्मूले में बिठा रहा हूं सीधा सीधा 5 जरा 30 माइनस 11/2 जरा मिनट, मिनट कितने हैं 20, 2 × 2 = 20, ये 11 × 2 = 110 हुआ, 5 × 3 = 15, 150 माइनस 110 बराबर आया 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री का बना और मैंने यहां डबल करा तो भी 40 डिग्री का बना, हुआ कि नहीं, इसको बोलते ट्रिक, इजी तरीके से जबानी तौर पे जब भी तनासुब एक निस्बत 5 का हो तो उसके मिनट का डबल कर दिया जाए, खत्म अपना। इस पर एक सवाल पूछता है 6:30 अगर 6:30 का 6:30 पूछा तो 6:30
छह बजकर 30 मिनट अगर पूछा उसने तो क्या करना? आप बोले सर निस्बत तो एक की निस्बत पांच है, छह का छह पंजे तीस, एक की निस्बत पांच है, छह इसमें छह बजकर 30 मिनट में अगर निस्बत एक निस्बत पांच आया, अगर तनासुब एक निस्बत पांच आया तो मिनट के आधे कर दो, सवाल में लिख के रख दो, वहां हल करते जब भी निस्बत एक की निस्बत पांच आए, छह का छह पंजे तीस, तो मिनट को आधे कर दो, ऐसे सवाल अपने मिनट को आधे यानी कितने 15 के आधे की 30 के आधे 15 डिग्री का जाविया बनेगा। कैसा साबित करके बताओ, क्या है हमारे पास घंटे जरा 6 घंटे कितने हैं 6 जरा 30 माइनस 11 बटे 2 जरा मिनट कितने हैं 30 है, 2 का 2 2 15 30 15 11 15 10 150 165 6 18 180 माइनस 165 बराबर आए 15 डिग्री, ये भी पंद्रह आया कि नहीं, लेकिन मेरे को यार टाइम लगा कि नहीं, भले ही 30 सेकंड के अंदर हुआ लेकिन टाइम तो लगा ना। ऐसे सवाल आपको हल करने के लिए फॉर्मूला लिख के रख दो, घंटे जरब 30 माइनस 11/2 जरब मिनट, इसको पॉज करके सुनो और लिख दो, क्योंकि कई कई फॉर्मूले भी काम आ जाते हैं, फॉर्मूले ही काम आते हैं, ये सिर्फ ट्रिक है अपने। ओके 6:30 का हो गया अपना सवाल। 8:40 पूछा तो 8:40 पर कितने का जाविया जो है बनेगा, अगर ऐसा उसने सवाल पूछ लिया तो। अब 8:40 में निस्बत देखो, आर्ट्स वाले जो रहते हैं उनको जनरली जो है बहुत इजी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है, 8:40 में निस्बत, 8 × 8 = 40, एक की निस्बत पांच है कि नहीं, जब सवाल में एक की निस्बत पांच आए तो सीधे सीधे मिनट के आधे कर दिए जाए, मिनट कितने हैं अपने पास 40, तो वहां 20 डिग्री का जाविया बनेगा। अब वो कैसा बनेगा 8:40 पे, इसको साबित करने के लिए अगर तुमको किसी ने बोला तो बोले इसका एक फॉर्मूला है, घंटे घंटे कितने 8 जरा 30 माइनस 11/2 माइनस मिनट, ओके सॉरी उसका जरा मिनट, 2 × 2 = 20, ओके सॉरी 2×20 = 40, ओके 11×2 = 22 हो गए 220, और ये 8 × 3 = 24, 240 माइनस 220 बना कि नहीं 20 डिग्री का यहां भी और यहां भी, लेकिन मेरे को फास्ट कौन सा हुआ, फास्ट ये वाला हुआ अपना, जब भी निस्बत एक की निस्बत पांच हो तो वो इस तरीके से हम मिनट को सीधे सीधे आधा कर दें। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सिर्फ जहन में रखो ट्रिक्स को, बस ट्रिक्स जहन में रहेगी तुम्हारे 100% अपना काम बन जाता है ऐसे सवाल आपका। 3:15 पूछा उसने, 3:15 पर पूछा तो 3:15 में क्या बोला मैंने, सीधा सीधा जो है अब यहां एक की निस्बत पांच है, एक की निस्बत पांच है तो अपना फॉर्मूला क्या है, मैं इसको बोल रहा हूं उसने 15 को आधा, 15 का आधा 7.5, सीधा जब भी एक की निस्बत पांच हो, तनासुब एक की निस्बत पांच हो तो सीधा सीधा मिनट का आधा कर दो, तो 15 × 7.5 फॉर्मूले में बिठाएंगे तो मैंने वही बोला क्या करने का, घंटा कितना है 3, इसको जरब देने का 30 माइनस 11/2 जरब मिनट, मिनट कितने हैं 15, इसको काटो, इसका इसमें से ये माइनस करेंगे तुम तो सीधा सीधा 7.5 ही आएगा, यानी मैं तुमको बार बार इसलिए ज्यादा मिसालें देता है ताकि समझ में आ जाए, जब भी तनासुब में एक निस्बत पांच हो तो मिनट के आधे कर दिए जाए तो उसका 7.5 डिग्री का घंटा और मिनट की सुई में जाविया बनेगा, ऐसा लिख सकते तुम। ओके आप आ जाओ, अगर सवाल है यहां जब भी 6:24 मिसाल के तौर पे, और हमारा निस्बत जो होगी एक की निस्बत 6 होगी, एक की निस्बत 6 होगी, मेरा फॉर्मूला जो बोला मैंने वो लिख के रख लो, आपकी शॉर्ट ट्रिक्स बोल रहे हैं बगैर फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, तो दिए हुए मिनट अगर तनासुब एक की निस्बत 6 में हो, दिए हुए मिनट का आधा कर दो, दिया हुआ मिनट 24 है तो 12 डिग्री का जाविया बनेगा, साबित कैसे करना वही जानना फॉर्मूला, घंटे जरा 30 माइनस 11/2 जरा मिनट, मिनट कितने हैं यहां 24, 2 × 2 = 24, 6 × 18 = 180, और ये 12 = 120,
और 120 और 12 दो 12 24 ओके 6 18 और ये 11 रहा है 110 और वो 132 है ना। 6 18 और इसको हमने 11 बटे 2 तकसीम जो है यहां मिनट से करें तो कितना हुआ ये 6 18 माइनस 11 का 120 132 132 को सॉरी 6 जरब यहां पर कितने दिया है 4:24 है सॉरी 4:24 मैं वही बोल रहा हूं 4:24 तो इसका मैंने आधा करा सवाल में 1:6 नहीं था वो 1:3 था ओके 1:6 है तो 4 × 12 120 माइनस 12 और ये कितने 120 132 समथिंग है ना 12 दा है 120 और वो 12 दा है 120 120 और वो 12 132 ओके 132 132 यानी बड़े में से छोटा निकालो 132 माइनस 120 आया 12 डिग्री। मेरा सवाल गलत हो गया था वो इसलिए थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया ओके। यानी जब भी तनासुब 1:6 हो 4:24 बोला 1:6 का तनासुब है तो दिए हुए मिनट में से दिए हुए मिनट को सीधा सीधा आधा कर दिया जाए यानी वो 12 डिग्री दिए हुए मिनट। इसको मैंने फॉर्मूले में बिठा के बताया तो भी 12 ही आया फॉर्मूले का टाइम कैलकुलेशन का सीधा सीधा अपना जो होता अपन ने वो कर देने का ओके। अब अगला सवाल आखिरी सवाल आखिरी टाइप जिसको हम बोलेंगे ओके अपना लेंथी होते जा रहा वीडियो इसलिए। अब अगर 6:18 1:3 अगर चीज पूछो तो ये सवाल था ओके। अगर 1:3 तनासुब में तो मिनट को अब जो है 1:3 के तनासुब में उस सवाल में 6:18 अब क्या करना दो मिनट और घंटे की सुई में कितने का कितने दर्जे का जाविया बनेगा निस्बत 1:3 है तो मिनट को 4 से जरब करो मिनट कितना दिया हुआ है मिनट को 4 से जरब करो और उसमें मिनट का आधा जमा करो यानी कि मिनट कितने 18 इसका आधा 2 से तकसीम करने के बाद कितना बनता 9 समझो ओके 18 × 72 और ये जमा 9 72 और 9 वो 81 का जाविया 81 डिग्री का जाविया बनेगा। क्या है यहां अगर 1:3 हो अगर निस्बत तनासुब 1:3 का हो तो दिए हुए मिनट को 4 से जरब करके मिनट का आधा उसमें मिला है यानी कि दिए हुए मिनट 18 उसको 4 से जरब करो 18 × 72 जमा मिनट का आधा यानी 9 अगर 1:3 हो तो। अदरवाइज ऐसे जो सवालात है इसमें अगर तुम फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करते बोले तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये ट्रिक्स है आसान ट्रिक्स है घंटे दिए हुए घंटे जो भी होगा जरब 30 − 11/2 जरब मिनट ये इसका फॉर्मूला है ये इसका फॉर्मूला है कंपल्सरी वाला फॉर्मूला लेकिन अपने को ट्रिक से करने का था। अदरवाइज आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ अच्छा लगे तो लाइक भी करो शेयर भी करो कमेंट भी करो और इंशाल्लाह उर्दू मीडियम के ग्रुप्स में पहुंचाएंगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा समझ में आए इसलिए रुका रुका कर भी देख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में अपनी जबान में लिख सकते तुम। अगर इसके बाद भी अलग अलग टाइप पे अपन सवाल मैथमेटिक्स के सूदे मुरक्कब मुफर्रक पे भी कोशिश कर रहा हूं मैं डालने की तो आप शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।